हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच सुमन जी हैं जिन्होंने अभी एसएससी जेई 2023 में जो एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए और इनको जो डिपार्टमेंट अलाउड हुआ है वो सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो आपको अच्छे से वेल नोन है कि जो सीपीडब्ल्यूडी है इनके तहत एसएससी जेई 2023 के तहत इनको जो डिपार्टमेंट अलाउड हुआ है सीपीडब्ल्यूडी, इन्होंने 2022 और 2023 दोनों एग्जामिनेशंस फेस किया, इवन 2021 भी इन्होंने फेस किया था। ठीक है सुमन, सबसे पहले आप ये थोड़ा सा बताइएगा, आपने तो दोनों एग्जामिनेशंस फेस किया 2022 और 2023। 2022 हम लोग का पुराने पैटर्न पे, पुराना पैटर्न, और 2023 न्यू पैटर्न जो अभी CBT 1 एंड CBT 2 का जो क्राइटेरिया आया है इस बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो बच्चे बीटेक या फिर जो ऑलरेडी एसएससी जेई 2021 22 23 देते आए वो उनके लिए थोड़ा सा हम बात कर लें, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट जो क्या वेटेज है उस पे हम लोग बात करेंगे, क्या अभी सुमन ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था उस मैटर पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें सुमन ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो 2022 और 23 में जो हम लोग जो पैटर्न देखें, क्या डिफरेंसेस आपको लगा कि बाकी में कुछ डिफरेंसेस हुए हैं या फिर मतलब लाइक सिर्फ चेंज किया गया है ऊपर से ऐसा कुछ नहीं? डिफरेंस तो है, मतलब चेंज हुआ है तो बेनिफिट भी है। पहले रिटेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता था कि कॉपी मार्किंग जो है ना वेरी कर जाता था, टीचर टू टीचर वेरी करता था। ओके, और रिटेन मीन्स पहले का नहीं, पहले मतलब ये हुआ कि मतलब पहले एग्जामिनेशंस होते थे, पहले प्री होते थे और देन मेंस होते थे, देन आपका रिव्यू वगैरह होता था। पहले प्री होता था ऑब्जेक्टिव सीबीटी टाइप और मेंस होता था रिटेन, और उसके बाद फिर डीवी होता था, रिजल्ट डीवी। और अब न्यू पैटर्न में है कि दोनों स्टेज जो है सीबीटी मोड पे है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और 500 मार्क्स का पहले भी था, अभी भी 500 मार्क्स का है। पहले 200 मार्क्स का प्री होता था, 300 मार्क्स का कॉन्वेंशनल रिटर्न एग्जाम होता था। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या है कि 200 मार्क्स का प्री है और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 300 मार्क्स का। अप्रोक्सीमेट कितने दिनों के बाद होती है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट? पर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो एग्जाम होने के 50 डेज 55 डेज में मेंस एग्जाम, मतलब विद इन 2 मंथ्स आपका सीबीटी 2 आपका पेपर हो जाना। 23 का जो एसएससी जेई था वो आई थिंक नोटिफिकेशन आने के मतलब 6 मंथ के अंदर सारा कुछ कंप्लीट कर दिया था। नोटिफिकेशन आया जैसा कि अभी हम लोग का दिया है, अभी दिया, अभी आई थिंक परसों जो नोटिफिकेशन आई, तो आप लोग का 4 से 4, 5, 6 जून को जो एग्जामिनेशन है, यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स आपका सीबीटी 2 भी हो जाएगा। अभी 60 डेज अप्रोक्स है अभी, 60 डेज के बाद फिर 50 डेज के अंदर मेंस भी हो जाएगा। ओके, तो अगर मान के चले तो 110 डेज में पूरा पूरा प्रोसेस होने जाने। ओके, यानी बहुत ही क्रूशियल टाइम है एसएससी जेई वाले बच्चों के, मतलब अच्छा टाइम है, इसको जैसा चाहे उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये जो डिफरेंसेस आप बता रहे थे, क्या डिफरेंसेस मतलब लाइक दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी थी? पहले एग्जाम पैटर्न तो हो गया, मतलब लाइक वेटेज की टर्म्स में बात कर लें या फिर इन टर्म्स ऑफ आप बोल सकते हैं कि कौन से, जैसे मैं एक बोला जाता है सिविल इंजीनियरिंग में जियोटेक सब्जेक्ट एक आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग है। अच्छा, वेटेज एस्टिमेशन कॉस्टिंग का वेटेज कॉन्स्टेंट है, मतलब 4-5 सालों से कॉन्स्टेंट है। बीएमसी का वेटेज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, पहले 25-20 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 10-15 आता है। अच्छा, 25 से 15। हाँ, अब इरिगेशन का वेटेज इंक्रीज कर दिया, पहले इरिगेशन 2-4 क्वेश्चन ही आता था इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से, अब उसको इंक्रीज करके 10-12 कर दिया है। तो जियोटेक का भी वेटेज इंक्रीज हुआ है, 10 मतलब ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस 8-10 एवरेज रहता है, सर्वे मतलब कवरेज। हाँ, सारे सब्जेक्ट को कवर किया, पहले कवरेज पूरा नहीं रहता था, अब पूरा कवरेज हुआ है। अब पैटर्न थोड़ा चेंज भी हुआ है, पहले रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ जाते थे, और लास्ट ईयर अभी 2022 में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, लेकिन 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, जो तो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट 5 ईयर्स के PYQ कर लिए, तो उसमें एक्सपेक्टेड थे कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। पैटर्न लेवल सेम रहा, लेकिन सारा क्वेश्चंस नया था, ऐसा क्वेश्चंस नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड था, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर नया क्वेश्चंस बन जाएगा, तो प्रैक्टिस तो करना चाहिए, रटने वाला वो प्रोसेस नहीं वैलिड होगा। ओके ओके ओके, और टाइम सबसे बड़ा तो टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। रिटेन में भी जैसे इस बार फर्स्ट टाइम सीबीटी एग्जाम हुआ था तो थोड़ा इजी क्वेश्चंस था, और सीबीटी 1 में रिपीटेड PYQ एक भी नहीं था, सीबीटी 2 में रिपीटेड था, मे बी फर्स्ट टाइम था तो रिपीटेड था। मतलब सीबीटी 1 में जो एग्जामिनेशंस हुए पिछले एसएससी जेई के से मतलब मैच नहीं किया, मतलब जो भी क्वेश्चंस आए
लेवल भले सेम लेवल सेम था लेकिन वो क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच नहीं किया, लेकिन सीबीटी टू में डायरेक्ट मतलब क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे, तो वहां पे फायदा हुआ पीवाईक्यू बनाने का। ओके, तो मे बी इस बार थोड़ा बहुत सीबीटी टू में न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो इजी था। मे बी अब थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रखे कॉम्पिटिशन को। अब वो पैटर्न नहीं चल रहा है कि जिसमें एक दो बुक चलती थी, जिसमें आप लोग अच्छे से नोन है, जो बुक चलती थी उस बुक का डायरेक्टली उसका रट लेते थे, उससे काम चल जाता था, लेकिन अब वैसे काम नहीं चलने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको विद इन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अभी तो वैकेंसी भी बैक टू बैक आ रही, चाहे एसएससी जेईई हो या फिर आरआरबी जेईई हो, इवन अभी तो 4000 के अप्रोक्स में यूपीपीएससी जेईई का सुन रहे हैं, तो ये अच्छा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो और बीटेक स्टूडेंट हो, ये दोनों एसएससी जेईई आरआरबी जेईई और यूपीपीएससी जेईई, यूपीपीएससी जेईई में भी बीटेक को अलाउ शायद कर दिया है, ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कल परसों जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ने अलाउ हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे ये नोटिफिकेशन से बीटेक वालों के लिए साथ साथ हैं डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। और जो पैटर्न फेस किए, इसके अलावा ये पूछना, जैसे मैं एसएससी जेईई जो बच्चे देते हैं पैटर्न तो एज इट इज, मतलब जैसे हिंदी क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश में आते थे वैसे ही अभी भी आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं। ओके ओके, और कुछ चेंजेज जो फेस मतलब आपने देखा कि कुछ और ऐसा कोई चेंजेज हुए जो मतलब जो चाहेंगे कि आपके जो भी स्टूडेंट मतलब बैचमेट हो या फिर जो जूनियर हो या फिर सीनियर हो उन तक की बात पहुंचे? चेंजेस जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ है, तो फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं था कि कहां से कैसा क्वेश्चंस रहेगा, तो हम लोग ईएससी के भी पीवाईक्यू बनाए और स्टेट इंजीनियरिंग लेवल का जो क्वेश्चन था वो भी प्रैक्टिस किए, लाइक मतलब इंजीनियरिंग सर्विस प्लस बीपीएससी एएससी स्टेट का जो यूपीपीएससी एक जो, ओके, ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज था। ओके, टेस्ट सीरीज रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी था और ऑफलाइन भी था। ओके, तो टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके जो क्वेश्चंस नहीं बनता था उसको रिवाइज करते थे, उसको मतलब एक साइड में कॉपी में लिख लेते थे। okay. तो वो काफी हेल्पफुल रहा मतलब मेरे एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। okay. और टेस्ट सीरीज डायरेक्टली रैंडम देख रहे थे या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर कहीं से ज्वाइन किया था आपने या फिर कहीं पे कुछ ट्राई किया था? फॉर्मुलेटर का टेस्ट सीरीज था। ओके, उसको पूरा आपने ट्राई किया था, उसके बाद ऑनलाइन ट्राई किया था, उसके बाद था टॉपिक टेस्ट था, सब्जेक्ट और फुल लेंथ मॉक था, सब पीवाईक्यू भी था। ओके ओके, इस तरह से आपने जी देखा। और जो क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं बनता था, गलत हो जाता था या नहीं बनता था, तो उसको क्या करते थे, एनालिसिस करने के बाद एक कॉपी में लिखते थे और उसको रेगुलर रिवाइज करते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यानी अल्टीमेट टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मतलब जो एक रिविजन पर्पज से वो एक पूरे सब्जेक्ट का रिविजन भी हो जाता है, साथ साथ आपको ये पता चल जाता है मेरा क्या कौन सा वीक सेक्शन है, तो सच डेट आप उसको जाकर रिवाइज करते हैं, तो ये आई थिंक 2 महीने जो टाइम मिला है ये रिवीजन और टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेटर है कि इसको एज अ अपॉर्चुनिटी। और मैथ वैकेंसी भी तो ठीक ठाक है, 968 अभी जो करंट में बताया जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का 768 जो भी अप्रोक्सीमेटली लास्ट टाइम भी कुछ अभी एमईएस का नहीं दिया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का नहीं दिया है, तो डेफिनेटली 250 वैकेंसी और होंगे, मतलब 1300 के अप्रोक्स में वैकेंसी की चांसेज है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप बिल्कुल इस चीज को सोच सकते हैं। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है या फिर किसी भी तरह से किसी भी हेल्प वगैरह की जरूरत है, हम लोग प्रॉपरली अवेलेबल हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, बाकी आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली आप लोग कमेंट कीजिए, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 लाइन में आप कुछ बोलना चाहेंगे एसएससी जेईई जो बच्चे अभी लिखने जा रहे हैं उन लोगों के लिए? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि रेगुलर कंसिस्टेंट होकर के 2-3 महीने पढ़ाई करना है, और जितना भी जो नया नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज में मिल रहा है या पीवाईक्यू में लग रहा है कि वो गलत हो रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस अगर रिपीट हो जाते हैं तो वहां पे अगर हमसे गलती हो जाता है तो फिर लैक हो जाएगा। अच्छा, वो एज ए अपॉर्चुनिटी है, यदि वो आया तो उसको सही होना ही होना है, यदि लास्ट ईयर लास्ट ईयर मतलब पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए उस तरह से उस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो टॉपिक है काफी इजी है और उससे मार्क्स 100% मार्क्स उसमें सिक्योर किया जा सकता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेटेज प्री में भी है अच्छा खासा और मेंस में भी इस बार अच्छा क्वेश्चंस था। मतलब तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग जरूरी है, इरिगेशन ये और बिल्डिंग मटेरियल्स जो है आरसीसी है स्टील है ये सब टॉपिक को ध्यान में रेगुलर रिवीजन करने से ही समझ गए समझ मतलब ध्यान में रहना है, मल्टीपल रिवीजन करते रहना है अपना टाइम निकाल करके,
रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप को जज करना है तो टेस्ट सीरीज हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप फिलअप नहीं फाइंड आउट नहीं कर पाए कि एक्चुअली में मेरी क्या एग्जिस्टेंस कम मार्क्स आने के बाद डिमोटिवेशन टाइप का लगता है, बहुत बड़ा मतलब समस्या है। कभी कभी क्या होता है कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस कोई कोई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि बच्चे को मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, चलो ठीक है टफेस्ट क्वेश्चन डाल दिया, गेट का क्वेश्चन डाल दिया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाल दिया, ये वाकई में मतलब गलत है, ये गलत भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब वो बच्चे वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कम मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और जो नहीं बना उसको अभी अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम हमारा 6 जून में ही होगा, 4-5-6 जून को, तो जो हमारा मार्क्स आएगा उसमें आएगा। अभी टेस्ट सीरीज में कम भी आता है तो फर्क आप स्ट्रेस नहीं लेना है, मोटिवेटेड रहना है 3-4 महीने और इसी बार मतलब सिलेक्शन ले लेना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।